आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अहमदाबाद शहर के रामोल पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हैं चोर टू व्हीलर और रिक्शा की चोरी किया करते थे। रामोल पुलिस को खबर मिली थी कि एक जगह पर यह चोर चोरी के विकल्प चोरी कर कर बैठे हुए हैं। पुलिस ने वहां जाकर जांच की और 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और साथ में पुलिस ने चोरी किया हुआ माल भी बरामद कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने अनडिटेक्टेड 2 केस को सुलझा लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर और पूछताछ तेज कर दी है। रामोल पुलिस स्टेशन के सर्विलेंस स्टाफ ने बातमी के आधार पे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बातमी ये मिली थी कि 3 लोग एक चोरी की हुई रिक्शा और बाइक को बेचने के लिए बाज़ार में घूम रहे। उनके नाम है राजेंद्र उर्फ अनिल नेपाली, तौसीफ अक्रम भाई कुरेशी और राहुल वंश नारायण यादव। इन तीनों को गिरफ्त में लेके उनकी पूछताछ की गई, जिसमें इनके पास से एक बाइक और रिक्शा बरामद की गई है। इन बाइक और रिक्शा के रजिस्ट्रेशन नंबर आधार पे उनके मूल मालिक को ढूंढकर उनसे पूछा गया तो सभी दोनों मालिक ने ये अपनी बाइक और रिक्शा चोरी होने की फरियाद लिखाई है। उसके आधार पे FIR रजिस्टर की गई है। इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और मुद्दामाल रिकवर करके इन तीनों को अभी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हाँ, इन तीनों आरोपियों का गुनाहित इतिहास है। इससे पहले ये लोग एक साइकिल चोरी की घटना में गिरफ्तार हो चुके हैं। नज़दीकी पुलिस स्टेशनों से हमने ये इन्फॉर्मेशन मंगाई है कि कोई इस तरह की चोरी हुई हो या इन लोगों के खिलाफ और कोई गुनाह दर्ज है कि नहीं, इसकी माहिती हम मंगवाई।